हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर पे हम लोग ग्राफ की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ग्राफ की कोडिंग को समझने से पहले आपके पास एक जानकारी होनी चाहिए। किसी भी ग्राफ को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनफैक्ट तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट, और तीसरा एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स। जैसे कि ये ग्राफ आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन है, इस ग्राफ को हम कह रहे हैं कि दिस इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का ये मतलब है कि हमने ग्राफ के एजेस पे कोई भी डायरेक्शन असाइन नहीं की। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसको जब हमें मेमोरी में रिप्रेजेंट करना होगा तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्टिसेस क्रॉस वर्टिसेस साइज का मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में चार वर्टेक्स हैं, तो चार वर्टेक्स है तो ये 4x4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। और इस 4x4 मैट्रिक्स में एंट्रीज की जाएंगी एजेस के आधार पे। जैसे कि अगर हम ये मान लें कि ये हमारी एज E1 है और ये एज E2 है और ये एज E3 है और ये जो एज है वो E4 है, तो E1 एज जो है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 1। इसका मतलब ये है कि 0 से 1 एज है और इसका मतलब ये भी है कि 1 से 0 भी एज है। तो हमने एज को 1 से शो किया और दूसरी एज जो हमारी है 0 2 उसको हम देखेंगे तो 0 से 2 भी एज मानी जाएगी और 2 से 0 भी एज मानी जाएगी। तो दोनों को हमने 1 1 कर दिया। इसी तरह से E3 एज जो है वो 0 से 3 एज है, जिसको हम 0 से 3 एंट्री को भी 1 कर देते हैं और 3 से 0 एंट्री को भी 1 कर देते हैं। इसके बाद E4 एज है 1 से 2, तो 1 से 2 एंट्री को हम 1 कर देते हैं और 2 से 1 एंट्री को भी हम 1 कर देते हैं। मैट्रिक्स में बची हुई बाकी सारी एंट्रीज को हम 0 कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कनेक्शन को हम 1 से शो करते हैं और नो कनेक्शन को हम 0 से शो करते हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स होती है। अगर आप इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स का सम करें सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका मतलब यह है कि ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 एजेस हैं, तो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम 8 है। सो जितनी भी एजेस होंगी उनका डबल होगा इस मैट्रिक्स में एंट्री, या आप जब सम करेंगे इस मैट्रिक्स का तो इसमें जो नंबर मुझे मिलेगा सम करके दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट से हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट है। तो एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट का ये मतलब हुआ कि हमने एक लिंक्ड लिस्ट लिया और उसका एक एरे क्रिएट कर लिया। तो हमने माना कि हमारे पास चार साइज का एक एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट हमने बना दिया। इसमें ये 0 वाला बता रहा है, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला। तो ये जो चार मैट्रिसेस हैं उसमें कोई भी एलिमेंट्स इनिशियली नहीं है, सॉरी चार जो लिंक्ड लिस्ट है इसमें इनिशियली कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि 0 से 1 2 और 3 एजेस हैं, तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, 0 से 1 एक नोड बना के, इसी तरह से 1 से 0 भी ये नोड बनाया जाएगा। क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए बोथ वे कनेक्शन हम मानते हैं। सो अगर हम 0 से 1 एज मान रहे हैं तो इसका मतलब श्योर हो गया कि 1 से 0 भी एज। इसके बाद 0 से 2 कनेक्शन है, आप एज नंबर 2 मतलब E2 को रेफर करें तो 0 से 2 कनेक्शन हो गया, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। और 2 से 0 कनेक्शन भी हम दिखाएंगे। इसी तरह से E3 एज है 0 से 3, इसका मतलब है कि 0 से 3 एक एज से दिखाया जाएगा और इसके बाद 3 से 0 भी एक एज से दिखाया जाएगा। फिर E4 जो एज है वो है 1 से 2, तो इसका मतलब हो गया कि 1 से 2 एक कनेक्शन दिखाया जाएगा और इसी तरह से 2 से 1 भी एक कनेक्शन दिखाया जाएगा। तो जितने भी कनेक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे इस तरह से शो कर रहे हैं, और अगर हमें लगेगा कि कोई कनेक्शन कहीं पे नहीं है तो हम लास्ट नोड के नेक्स्ट व्हील को नल सेट कर देंगे। सो ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, और इस एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में भी आप नंबर ऑफ नोड्स अगर काउंट करेंगे
सो वो 2 गुना होगा नंबर ऑफ एजेस के. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. तो 8 टोटल नोड्स हैं इस लिंक लिस्ट में या इस एरे ऑफ लिंक लिस्ट में. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस. नाउ इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसको एरे ऑफ लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट किया, इसी को हम एरे ऑफ वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम मान सकते हैं कि आपके पास एक एरे ऑफ वेक्टर है और उससे इसको कनेक्शन की तरह से शो किया गया. इसका मतलब है कि पहले वेक्टर में जो एंट्री है वो है 1, 2, 3. इसका मतलब है कि 0 से 3 कनेक्शन है. इसी तरह से 1 से जो कनेक्शन है वो है 0 और 2, और इसी तरह से 2 से जो कनेक्शन है वो है 0 और 1, और 3 से जो कनेक्शन है वो केवल 0 का है. तो ये एरे ऑफ वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि ये पहला वेक्टर है. एरे ऑफ वेक्टर में पहला पहला है, इसी में एरे ऑफ वेक्टर में ये दूसरा एंट्री है, एरे ऑफ वेक्टर में ये तीसरी एंट्री है, और एरे ऑफ वेक्टर में ये चौथी एंट्री है. तो अगर आप साइज की बात करें तो जो पहला है उसकी साइज 3 है, और जो दूसरा है उसकी साइज 2 है, जो तीसरा है उसकी साइज 2 है, और जो चौथा है उसकी साइज 1 है. यहाँ हम एरे ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, और एरे ऑफ वेक्टर की एरे ऑफ वेक्टर में हर एक वेक्टर की हम साइज की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि ज्यादा पॉपुलर मैकेनिज्म है किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए. हमें ज्यादा मेमोरी लगती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में, इसीलिए हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें कि थोड़ी सी कम स्पेस लगता है. तो अब हम इसके बाद इंसिडेंस मैट्रिक्स की बात करते हैं. इंसिडेंस मैट्रिक्स भी बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का. इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होती है उसकी साइज होती है वी क्रॉस ई. इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस रो साइड में आप मेंशन कर लो 0, 1, 2, 3, और इसके बाद नंबर ऑफ एजेस को आप कॉलम साइड में मेंशन कर लो. जितनी भी एजेस होंगी उतने इसमें कॉलम हो जाएंगे. तो जैसे एजेस एज नंबर E1 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0, 1, तो इसलिए हम 0 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 1 लिख देंगे और 2, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, 0 लिख देंगे. सिमिलरली जो E2 एज है वो 0 से 2 एज है, तो 0 से 2, 1, 1 लिखा जाएगा और बाकी जगहों पे 0, 0 लिखा जाएगा. E3 एज के लिए जिसके एंड पॉइंट 0, 3 है, 0 और 3 की जगह हम 1, 1 लिखेंगे और बाकी प्लेसेस पे 0, 0 लिखेंगे. E4 एज जो हमारी है वो 1 से 2 एज है, तो हम 1 और 2 के प्लेसेस पे 1 लिखेंगे और बाकी जगहों पे 0, 0 लिखेंगे. तो इस तरह से जो हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें अगर आप कॉलम वाइज सम करेंगे तो हर कॉलम का जो सम है वो 2 आएगा. इट इज ऑब्वियस ऑल्सो क्योंकि हम केवल एज के एंड पॉइंट्स के स्पेसेस पे 1, 1 कर रहे हैं, तो कॉलम वाइज सम हमारा 2 ही है. तो ये हमारा तीसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ का. नाउ इसी तरह से हम जो ग्राफ के बने, ये जो ग्राफ था हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ था, हम इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आइए हम देखते हैं कि डायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है और इस डायरेक्टेड ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है. हम एजेस को अगर नंबर कर लें, सो ये E1 एज लेट से, ये E2 एज लेट से, ये E3, ये E4, ये E5, ये E6 और ये E7. तो इस ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा. सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं. तो 5 वर्टिसेस हमारे पास हैं, तो इस मैट्रिक्स की जो साइज होगी वो 5 क्रॉस 5. इस 5 क्रॉस 5 में हमारे पास 0, 0, 1, 2, 3, 4 और 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे स्पेस हो गया. और उसके बाद फिर हम एच की बात करें तो एच की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एजेस हैं वो हैं 0 से 2 एज है, पहली एज है, तो 0 से 2 कनेक्शन को 1 किया जाएगा, और 2 से 0 कनेक्शन को इस प्लेस पे हम 1 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि एक डायरेक्शन में एज है दूसरी डायरेक्शन में एज नहीं. 0 से 2 एज माना जाएगा लेकिन 2 से 0 एज नहीं माना जाएगा. नेक्स्ट जो एज हमारी है वो 0 से 3 एज है, उसको हम 1 कर देते हैं. नेक्स्ट जो एज हमारी है वो 0 से 1 एज है, हम उसको भी 1 कर देते हैं. E4 एज 2 से 3 है, तो हम 2 से 3 कनेक्शन को 1 कर देते हैं. जो E5 एज है वो 1 से 3 है, तो हम 1 से 3 जो कनेक्शन हमारा है उसको हम 1 कर देते हैं. जो E5 एज है वो 1 E6 जो एज हमारी है वो है 1 से 4 एज, तो 1 से 4 कनेक्शन को हम 1 कर देते हैं. और E7 जो एज हमारी है वो 3 से 4 एज है, तो हम 3 से 4 को 1 कर देते हैं. बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0, 0 रहेंगी.
फोर से कोई भी एज नहीं जाती, इसलिए फोर से सारे कनेक्शन को जीरो शो किया जाएगा। तो ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है हमारे इस ग्राफ का। तो अब इस ग्राफ में जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, उस मैट्रिक्स का जब आप सम करेंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस। जैसे कि यहाँ पे 7 है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। अगर हम इसका एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाएं, तो एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट भी बना सकते हैं, हम एरे ऑफ वेक्टर भी बना सकते हैं, व्हाट एवर यू लाइक आप बना सकते हैं इसको। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जीरो से कनेक्शन हमारा है 1 का, जीरो से कनेक्शन है 2 का, और जीरो से कनेक्शन है 3 का। अगर आप एजेस के डायरेक्शन में इसको करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं कि सबसे पहले आप E1 एज का कनेक्शन लिख दें 2, एंड देन E2 एज का कनेक्शन लिख दें 3, एंड देन E3 एज का कनेक्शन लिख दें 1, एंड देन 1 से जो कनेक्शन है वो होगा 3 और 4 का, क्योंकि E5 और E6 एज के जो एंड पॉइंट्स है वो 1 3 और 1 4 है। देन अगर आप 2 से कनेक्शन देखें तो E4 एज आपकी है और उसका उसके एंड पॉइंट्स 2 2 3 हैं, तो इसके 2 की एंट्री, 2 वाले वेक्टर में एंट्री 3 की हुई। एंड देन 3 से जो कनेक्शन आपका होगा वो केवल 4 के लिए होगा, इसका मतलब 7, और 4 वाला जो वेक्टर होगा वो खाली होगा, या फिर जो 4 वाली जो लिंक लिस्ट होगी वो खाली होगी। तो ये हमारी हमारा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई थिंक कि आप लोग इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी बना लेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं इस केस में 5 हैं, 0 1 2 3 4, और इसमें जो एजेस हैं वो 7 है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7। अब आप देख सकते हैं कि जो E1 एज है उसके एंड पॉइंट 0 और 2, तो 1 1 कर दीजिए 0 में और 2 में, बाकी एंट्री को 0 कर दीजिए। इसी तरह से जो E2 एज है उसके एंड पॉइंट 0 3, तो 0 में और 3 में 1 1 कर दीजिए और बाकी सब जगहों पर 0। इसी तरह से जो E3 एज है वो 0 से 1 के बीच में है, तो आप 0 और 1 एंट्री को 1 1 कर दीजिए, बाकी एंट्रीज को 0 कर दीजिए। E4 एज 2 से 3 के बीच में है, सो 2 और 3 एंट्री को आप 1 1 कर दीजिए और बाकी एंट्रीज को 0 कर दीजिए। E5 जो एज है वो 1 से 3 है, तो आप 1 को और 3 को 1 कर दीजिए और बाकी सारी को 0 0 कर दीजिए। E6 जो जब आ रही है वो 1 से 4 है, तो 1 और 4 एंट्री को 1 1 कर दीजिए और इन सभी एंट्री को 0 0 कर दीजिए। और इसके बाद जो हमारा E7 एंट्री है वो 3 से 4 है, सो 3 और 4 एंट्री को आप 1 1 कर दीजिए और बाकी एंट्रीज को 0 0 कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कॉलम सम है वो 2 है, और बड़ी आसानी से हम इंसिडेंस मैट्रिक्स के फॉर्म में किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आज कोड के फॉर्म में भी ये देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ को, एंड देन हम डायरेक्टेड ग्राफ को कोड के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें। तो आइए आज अब हम लोग कोडिंग का पार्ट कवर करते हैं, और कोडिंग के पार्ट में हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट को प्रेफर करेंगे ओवर दी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा पॉपुलर है। तो कोडिंग करने के लिए हम लोग C++ में कोडिंग करेंगे, और C++ में कोडिंग करने के लिए आपको पता है कि आपको सबसे पहले कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ेगी। उसमें सबसे पहले आईओ स्ट्रीम को हम लोग इंक्लूड करा लेते हैं, एंड देन कोडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए या इनपुट आउटपुट लेने के लिए हमें केवल एक एसटीएल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वेक्टर। सो हम लोग वेक्टर को इंक्लूड इसमें करा लेते हैं, और स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। और कोडिंग करने के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, तो हमें यूजर से ये इनपुट लेना पड़ेगा कि कितने वर्टिसेज हैं उसके पास और कितनी एजेस हैं। तो लेट्स से वी और ई वेरिएबल्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कितने वर्टिसेज होंगे और कितने एजेस होंगे रेस्पेक्टिवली। तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं, हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ। तो यूजर जो भी इनपुट देता है उसको हम वी वेरिएबल में एक्सेप्ट करा लेते हैं। देन इसी तरह से हम पूछ लेते हैं कि
यूजर के पास कितनी एजेस हैं, तो हाउ मेनी एजेस आर देयर इन द ग्राफ, और इसको ई में एंट्री करा लेते हैं। फिर इसके बाद हमें इन एजेस के अकॉर्डिंग इनपुट्स कराने होंगे, तो हम एजेस को इनपुट करा लेते हैं। तो लेट्स से फॉर आई इक्वल्स टू 1 एंड आई लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस एंड आई प्लस प्लस, एजेस के एंड पॉइंट्स को हम इनपुट कराएंगे। तो हम यूजर से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंटर द एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द एज। तो किस एज की बात करें, पहले हम एज की बात कर रहे हैं, एज नंबर 1 की, तो आईएथ एज की हम बात कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसका जो इनपुट है वो लेट से ए और बी में इनपुट करा लेते हैं। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और बी एंडिंग पॉइंट है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम एडसेंसी लिस्ट बना रहे हैं तो एडसेंसी लिस्ट एरे ऑफ लिंक लिस्ट होगा या फिर एरे ऑफ वेक्टर्स होगा। तो एरे ऑफ वेक्टर्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वेक्टर, इंटीजर टाइप का वेक्टर, और लेट से ए डी जे नाम का हमारा वेक्टर है। चूंकि ये इसमें कई सारी एंट्री होंगी, इनफैक्ट वी एंट्रीज होंगी, इसलिए हमने इसको इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, वी डिफरेंट वेक्टर्स बनेंगे और इसको हम एरे ऑफ वेक्टर के टाइप से ट्रीट करें। तो आपको पता है कि जब आप किसी वेक्टर में इंसर्ट करते हैं तो आप उसके लिए पुशबैक फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर ए बी एंड पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एज है वो 0 1 या 0 से 1 एज है हमारी, तो 0 से 1 एज का मतलब क्या हो गया कि 0 वाले वेक्टर में 1 की एंट्री हो जाएगी और सिमिलरली 1 वाले 1 वाला जो वेक्टर है उसमें 0 की एंट्री हो जाएगी। तो बोथ एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वी डॉट सॉरी ए डी जे, जो एडसेंसी लिस्ट है, उस एडसेंसी लिस्ट के उस एडसेंसी लिस्ट में, क्योंकि कई सारे एडसेंसी लिस्ट है, एरे ऑफ लिंक लिस्ट है या एरे ऑफ वेक्टर्स है, तो उसमें हम ए एथ एडसेंसी लिस्ट को रेफर कर रहे हैं और उसमें पुश बैक करेंगे बी को। सिमिलरली चूंकि हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए मान रहे हैं, इसलिए बी वाले एडसेंसी लिस्ट में ए की एंट्री होगी या बी वाले वेक्टर में ए की भी एंट्री होगी। तो इस तरह से हम एंट्रीज करा सकते हैं। सो जो एंट्रीज हमने अभी तक कराई हैं, हम उनको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए आपको एडजेसेंसी लिस्ट में जितने भी वेक्टर्स आपके बने हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज को प्रिंट करना होगा। 0 नंबर वेक्टर 0 वर्टेक्स से कनेक्शंस बता रहा है, 1 नंबर जो एडजेसेंसी लिस्ट में एंट्रीज हैं वो 1 वर्टेक्स से कनेक्शंस बता रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्टेक्स को प्रिंट करते हैं। सो फॉर आई इक्वल्स टू 0 एंड देन आई लेस देन वी एंड आई प्लस प्लस, तो ये वर्टेक्स को सबसे पहले हमको प्रिंट कराना है। और जब हम वर्टेक्स को प्रिंट करा लेंगे तो वर्टेक्स से कनेक्शंस को प्रिंट कराएंगे। तो हमें वर्टेक्स को प्रिंट कराने के लिए हमने सबसे पहले आई को प्रिंट करा लिया और आई के आगे कोलन लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आई के आगे की एंट्रीज को हम प्रिंट कराने वाले हैं। अब इसके बाद हर एक वेक्टर में कुछ एंट्रीज हैं, तो उनको हम कब तक प्रिंट कराएंगे, जब जहाँ जहाँ तक साइज होगी उनके उतने ही एलिमेंट्स को हमें डिस्प्ले कराना होगा। तो हम एक ले लेते हैं एक जे, जिसको 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं, और जब तक जे छोटा है एडजेसेंसी लिस्ट आई के साइज से, तब तक हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। तो हमें क्या डिस्प्ले कराना है, एडजेसेंसी लिस्ट में एंट्री करनी है, किस एडजेसेंसी लिस्ट में एंट्री करनी है, आई एथ एडजेसेंसी लिस्ट में एंट्री करनी है, और उसके जे एथ एंट्री को हमें प्रिंट करा देना है। और जब ये एंट्री प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद अगर हम कॉमा लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चले कि अब नेक्स्ट एंट्री हमें प्रिंट करनी है। जब एक एडजेसेंसी लिस्ट के सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होगा और दूसरे एडजेसेंसी लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक एंड एल लगा देते हैं न्यू लाइन में आने के लिए। तो ये हमारा एंट्रीज को प्रिंट करेगा, एडजेंसी लिस्ट को प्रिंट करेगा। तो एक बार हम फिर से इसको रेफर करते हैं, 21 नंबर लाइन में हम ये देख रहे हैं कि कितने वर्टेसेस हैं, सभी को हम प्रिंट करा के एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वर्टेक्स, जैसे कि 0 नंबर को हमने सेलेक्ट किया, तो 0 नंबर वर्टेक्स को हम डिस्प्ले करेंगे, 0 नंबर वर्टेक्स के कनेक्शन को हम डिस्प्ले करेंगे। तो 0 नंबर वर्टेक्स से जो कनेक्शन होगा वो कब कितने कनेक्शन होंगे, जितनी एडजेंसी लिस्ट की साइज होगी।
तो जीरो, जे को हमने जीरो से लिया, और जब तक एडसेंसी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं तब तक ये प्रिंट करता रहेगा, कनेक्शंस को डिस्प्ले करता रहेगा। तो आईएथ वर्टेक्स, आईएथ एडसेंसी लिस्ट में या आईएथ वेक्टर में जेएथ एंट्री को हम प्रिंट करेंगे, और हर एक एंट्री को प्रिंट करने के बाद हम कॉमा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी, जैसे जो ए और बी है उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, तो इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। और ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन द ग्राफ, तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिए गए ग्राफ को कंसिडर करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे लिया जो ग्राफ हमारा वो ये गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे ग्राफ में 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एजेस भी हमारे ग्राफ में 4 ही। तो वर्टेक्स नंबर 1 से जो, सॉरी, ये जो एज नंबर 1 है वो हमारी 0 1 है, तो इसके एंड पॉइंट 0 1 है। एज नंबर 2 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 2 हैं, और एज नंबर 3 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 3 हैं। एज नंबर 4 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1 और 2 हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एडसेंसी लिस्ट है जिसमें कि एंट्रीज को शो किया गया है, 0 से कनेक्शन 1 2 और 3, 1 से कनेक्शन 0 और 2, 2 से कनेक्शन 0 एंड 1, और 3 से केवल एक एज है जो कि 0 को कनेक्ट करता है। तो हमारी एडसेंसी लिस्ट बिल्कुल ही प्रॉपर बनी है इस अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो इस एडसेंसी लिस्ट को हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनाया है, अगर हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ के लिए बनाएं तो कैसे बनेगा? डायरेक्टेड ग्राफ में बोथ वे एंट्री नहीं है, तो केवल वन वे एंट्री बनी, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। हम केवल ए से बी को कनेक्ट करेंगे, मतलब कि अगर एच ए बी है तो इसका मतलब ए से हम ए वाले एडसेंसी लिस्ट में हम बी की एंट्री करेंगे, या ए वाले वेक्टर में हम बी की एंट्री करेंगे, लेकिन बी वाले में ए की एंट्री नहीं करेंगे। तो इसमें 19 नंबर 9 को हमने डिसेबल कर दिया। तो अब हमें फिर से एंट्री करनी है, इसके लिए हम एक फिर से ग्राफ ले लेते हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ। तो आपको याद होगा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक ग्राफ लिया था, ये वाला ग्राफ हम पिक करते हैं और इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग एंट्रीज कर देते हैं। तो हमारे ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो है 5, और टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं 7। तो एज नंबर 1 के, मतलब E1 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 2 है, एज नंबर 2 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 3 है, एज नंबर 3 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 1 है, एज नंबर 4 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 2 और 3 है, एज नंबर 5 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1 और 3 है, एज नंबर 6 के एंड पॉइंट्स 1 और 4 हैं, एज नंबर 7 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 3 और 4 हैं। तो ये हमारी एडसेंसी लिस्ट प्रिपेयर हुई है। आप देख सकते हैं कि जो 0 वर्टेक्स है उससे 3 एजेस जाती हैं, E1 E2 E3। E1 का एंड पॉइंट 2 है, E2 का एंड पॉइंट 3 है, और E3 का जो लास्ट पॉइंट है वो 1 है। तो 2 3 1 कनेक्शन 0 से शो होते हैं आपके एडजेंसी लिस्ट में। इसी तरह से 1 से कनेक्शन 3 4, 2 से कनेक्शन ओनली 3, 3 से कनेक्शन ओनली 4, और 4 से कोई भी कनेक्शन नहीं। आप देख सकते हैं 4 से जाने वाली कोई भी एज नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन सीख लिया एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में। और हमारी ये जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो बहुत हेल्प करेगा अदर प्रोग्रामिंग में। अभी हम PFS देखेंगे, DFS देखेंगे, अभी हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से डिग्री फाइंड करते हैं, इन डिग्री एंड आउट डिग्री फाइंड करते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट फाइंड करते हैं। तो इन सभी मेथड्स के लिए हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे के लेक्चर में हम लोग इन डिग्री और आउट डिग्री देखेंगे। थैंक यू।